हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी वीडियो ही बना रहा था, उसमें बता रहा था। बट प्रॉब्लम क्या है, मैं एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा था। फ्रेंड क्या, यूट्यूब फ्रेंड ही थे जो मैंने, मतलब मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उनका ही फ़ोन था। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने सब्सक्राइबर्स भाइयों से, सभी लोग व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं और मैं सबको व्हाट्सअप नंबर भी दे देता हूँ और फ़ोन नंबर भी दे देता हूँ, जिससे कि देखिए जो मैं वीडियो बनाता हूँ इसमें ही काफ़ी टाइम लगता है और चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, अपलोड करना पड़ता है, काफ़ी टाइम लगता है। तो इसके अलावा भी मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं, आप खुद समझदार हैं, आपकी भी लाइफ में बहुत सारे काम पर्सनल भी होते होंगे, ऑफिशियल भी होते होंगे, तो मेरे पास भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो इतना टाइम नहीं हो पाता। फिर भी मैं रिप्लाई 11 11 12 12 बजे भी अपने फ्रेंड्स को करता हूँ जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जिनको मैं व्हाट्सअप पे, मैं जैसे नया फार्मर खोल रहे हैं, नया फार्मर हैं वो कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, नया फार्म बनाना चाहते हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई बीमारी आ रही है, तो वो कमेंट्स करते हैं तो मैं रोक नहीं पाता, मैं उनको जवाब दे देता हूँ। लेकिन 11 11 12 12 बजे टाइम हो जाता है तो मेरी पर्सनल लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अपने दोस्तों से, भाइयों से, कि आप लोग प्लीज़ जो भी कमेंट्स हैं, जो यूट्यूब का मेरा चैनल है या जहाँ पर भी आप उस वीडियो को देखते हैं, तो वहाँ पर आप मुझे कमेंट्स कर दिए, मैं वहीं पे आपको जवाब दे दूँगा। और अगर मैं अपना नंबर भी देता हूँ तो उसमें दिक्कत बहुत आती है। अब आप देखिए, अभी एक फ्रेंड का फ़ोन आ रहा है, मैं काफ़ी टाइम से बात कर रहा हूँ उनको, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट मैं देख रहा हूँ, बट अभी उन्होंने एक कॉल करी, फिर दो करी, 4 बार लगातार कॉल करी। बताइए, मैनर्स थोड़ा सा दिक्कत लगती है ना, समझदार आदमी होकर के अगर बार बार कॉल करता है। और फिर मैं वीडियो बना रहा था, डिस्टर्ब हो गई, वो अपने आप ही बार बार फ़ोन आ रहा था, मैं डिसमिस कर रहा था, तो वो अब फोन वीडियो ही ख़त्म हो गई। तो कहने का मतलब, कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ अभी सभी दोस्तों से, और जो भी हेल्प, जो भी रिक्वायरमेंट आपकी है और जो अगर मैं फुलफ़िल कर सकता हूँ, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली आपको उस पर या तो कमेंट्स पे आपको जवाब दे दूँगा या तो मैं वीडियो बना लूँगा। और व्हाट्सएप नंबर आप लोग मांगते हैं तो उससे फिर मैं कैसे टाइम निकाल पाऊँगा, आप खुद सोचिए। क्योंकि मान लीजिए बहुत सारे सब्सक्राइबर, सबके सवाल आएंगे, व्हाट्सएप पे भी आएंगे, इस पर भी आएंगे, तो कहाँ कहाँ कैसे क्या, इसके लिए पूरा दिन आदमी खाली रहेगा, नहीं हो सकता ना भाई। तो ये है कि आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना इसी में कमेंट्स करिए, मैं वहीं पर आपको रिप्लाई कर दिया करूँगा, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर मांगने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि बात तो वही होती है, उसमें भी मैसेज ही करते हैं, ठीक है। तो प्लीज़ आप उस पर करिए, और मैं अपने वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। मैं इसमें आपको बता रहा था इसके बारे में, देखिए जैसे मैंने आपको भी बताया था कि यहाँ पे मैंने जो जो बैग लगे 142 लगे हैं, तो यहाँ पे मेरे 152 या 154 होने चाहिए थे, जो कंपनी का स्टैंडर्ड था। तो यहाँ पे मैंने 10 12 बैग की सेविंग कर ली है, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरा जो बुक बनेगी, जो मेरी कास्टिंग जाएगी, उस पर इफ़ेक्ट करेगा। और ये 2200 ग्राम का मेरा अभी एवरेज दिखा रहा है, तो शाम तक ठीक ही इतना ही एवरेज निकलेगा लिफ्टिंग के टाइम पर, क्योंकि लिफ्टिंग के टाइम पर थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं बच्चे। और एक चीज़ और मैं सजेशन दूंगा लिफ्टिंग के टाइम पे आप लोगों को, कि आप कंपनी वालों से बहुत अच्छे से बना के रखिए, क्योंकि इसमें क्या है, देखिए इंटीग्रेशन में क्या, बहुत तरीके के लोग मिलेंगे आपको। कोई सुपरवाइज़र अलग होगा, मैनेजर अलग होगा, कोई लोडिंग वाले अलग होंगे, जो ऑर्डर लेने वाले होते हैं, जो कंपनी के ऑर्डर लेने वाले होते हैं, उनका अलग रवैया होता है, सब लोगों का होता है, देखिए सब मैनेज करके चलना पड़ता है। तो कंपनी के किसी एक बंदे को आप बहुत अच्छे से ट्रीट करिए, उसका ख्याल रखिए, उससे बात करिए अच्छे से, और उसको अपने फेवर में रखिए हमेशा, ताकि वो आपके लिए कंपनी की ओर से साइड में तो एक सपोर्ट में खड़ा हो आपके साथ में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से अभी जो हमारे एक सर हैं, मैंने उनको काफ़ी अच्छे से, मतलब वो उनका नेचर भी बहुत अच्छा है, तो वो हमारा बहुत सपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने अभी सब हमें भी टिप्स दी है। और उसके अलावा जो है, हम भी आपसे एक सजेशन, मतलब एडवाइस करते हैं कि जैसे लिफ्टिंग होती है, तो कोशिश करिए कि पूरे फार्म की एक बार में ही लिफ्टिंग हो, बार बार लिफ्टिंग ना हो। क्योंकि क्या होता है, जैसे ये एक फार्म है और आधे बच्चे हमने अभी लिफ्टिंग करा दी है, तो एक गाड़ी रह गई, तो जो बच्चे बचेंगे वो वेट नहीं लेंगे आपका, 50 100 ग्राम आपका वेट माइनस में ही जाएगा। क्यों, रीज़न बहुत सारे होते हैं। जब बच्चा लोड हो रहा होता है, आप लाइटें बंद कर देते हैं, मान लीजिए रात में ही लोड होता है बच्चा, तो लाइटें अब ऑफ कर देते हैं, बच्चा दाना पीना सब छोड़ देता है, और जब बच्चे चिल्लाते हैं तो सारे बच्चे स्ट्रेस में आते हैं, वो खाना पीना खुद ही छोड़ देते हैं, डरा जाते हैं, वो बहुत डर जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उससे वेट उनका लॉस होता है। अगर अगले दिन आप लिफ्टिंग करेंगे उस बच्चे को, तो जो आज वेट निकला वही कल भी निकलेगा, एक दिन का भी मतलब जो फ़र्क आएगा उसमें, जो भी दाना खिलाएंगे वो वेस्ट ही जाएगा आपका। तो कोशिश करिए, कंपनी से पहले रिक्वेस्ट कर लीजिए कि सर हमारा जो है, अगर जो फार्म है एक फार्म है तो एक बार में लिफ्टिंग करें, दो या तीन फार्म है तो 1 बाय 1 पूरे कंप्लीट निकालें, ठीक है दोस्तों।
तो कंपनी वालों का भी सामने कुछ प्रॉब्लम होती कि कई बार जैसे मान लीजिए आपका 10 क्विंटल आपका 100 क्विंटल का माल है और उनको ऑर्डर 110 क्विंटल का हो गया, तो उन्होंने कहा कि आपका पूरा फार्म खाली हो जाएगा। लेकिन दिक्कत कई बार ये आती, कोई कोई बंदा है जैसे ट्रेडर है, उसने अब एकदम 25 क्विंटल वापसी ले लिया कि नहीं मैं आज नहीं लूँगा कल लूँगा, तो उसका 85 क्विंटल बचा, तो 15 क्विंटल रह जाएगा आपके पास, तो ये दिक्कत आ सकती है। वो जेन्युइन सा केस है, उसका उसमें कंपनी की बात समझी जाएगी, अंडरस्टैंडिंग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मेरी लिफ्टिंग है, मैं उसका थोड़ा प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और जो देखिए मैं टाइम निकाल के एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें कुछ फ्रेंड ने कमेंट करें फार्म के बारे में। मेरा कोई फार्म बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं देखिए करूंगा, और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और शेयर करिए अपने दोस्तों को। ठीक है दोस्तों, ओके बाय, थैंक यू, बाय।